खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिंद, सबसे पहले इस आतंकी हमले में हुए जो शहीद हैं उन शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन आज इस श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए देने के लिए आज हमारे इस समय नेशनल के चैनल पे प्रयागराज कौशाम्बी जिला के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कमलेश कुमार निषाद जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बहुत करीबी हैं। और हम इनसे बात करते हैं कि सर, जो शहीद हुए हैं जो इस आतंकी हमले में, उन शहीदों के लिए क्या आपका कहना है सर? उन शहीदों को उनके परिवार वालों को, उन शहीद जो शहीद हुए हैं पुलवामा में और जो अभी कल शहीद हुए हैं, उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगवान उनके परिवार को दुख सहने की, इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। सर, आतंकी जो हमला हुआ है, इस हमले को लेकर के आप जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बहुत आप करीबी हैं, तो क्या अगला, ये 5 दिन हो गए सर इस हमले को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई एक्शन प्लान, क्योंकि देश में बहुत बड़ा रोष है। देखिए, रोष तो है, पूरी जनता में रोष है, पूरे देश में रोष है, लेकिन मोदी जी पर और हमारे रक्षा मंत्री पर भरोसा रखिए। मोदी जी जो करेंगे बहुत धमाकेदार करेंगे जी। देख, तो ये कब तक होगा सर? भला आप विश्वास रखिए, अब ये कोई वो तो होता नहीं कि तुरंत अटैक कर दिया जाए। अब सबको विश्वास में लेना, सरकार विश्वास में ले रही है, सबको विश्वास में ले रही है, सभी पार्टियों को, तब होगा, कुछ ना कुछ होगा, जो होगा बहुत बड़ा होगा। तो आपने देखा कि इन्होंने भरोसा दिलाया है, इतना भरोसा दिलाया है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के जवाब जो है पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह चुके हैं कि इस हमले का बदला बहुत ही अच्छी तरीके से लिया जाएगा। इसी के साथ